सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल, इसलिए फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहे। वे एक निर्वाचित नेता हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, कहा कि वो निर्वाचित नेता हैं, ऐसे में वो उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। तो जो ईडी वाला मामला है उसमें तो फिलहाल केजरीवाल को राहत मिली है, लेकिन सीबीआई के केस में फिलहाल वो जेल में ही हैं, इस केस में उनको राहत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में जरूर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शरद, क्या क्या टिप्पणियां की हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिली केजरीवाल को? देखिए, सबसे अहम टिप्पणी जो आगे के लिए भी काम आएगी जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैसे तो एक रिटन ऑर्डर अभी आएगा डिटेल, लेकिन जो मौखिक रूप से बताया गया है कोर्ट में वो ये है कि महज इंटेरोगेशन के आधार पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे जब ये ऑर्डर सुनाया जा रहा था। आशीष जी, इंटेरोगेशन के आधार पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इसका किस तरह का मतलब निकाला जाए आगे के लिए? जी देखिए, बहुत बड़ा फैसला है, हम लोग बात भी कर रहे थे, आप भी साथ में थे वकील से, ये एक बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा है, अभी पूरा फैसला आ जाएगा तो समझेंगे, कि हमने ये साफ तौर पर पाया है कि मियर इंटेरोगेशन के बेस पे, यानी इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ, मतलब जो बाकी लोगों से पूछताछ हुई है, चाहे वो खुद हों, एक्यूज खुद हों, उनसे पूछताछ के आधार पर आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अब किस आधार पर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, क्या गिरफ्तारी की, आपके पास भले ही सारा मटेरियल है लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत है कि नहीं है, ये तमाम चीजें जो हैं वो लार्जर बेंच में भेज दी गई हैं, क्योंकि लार्जर बेंच ही इस मामले में क्योंकि जो पीएमएलए पे पहला जो फैसला था वो तीन जजेस का फैसला था, जो रिव्यू चल रहा है वो तीन जजेस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ दो जज थे। अच्छा। तो इन्होंने इसलिए लार्जर बेंच में पूरा इश्यू भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को राहत ये है कि वो अंतरिम बेल उनको दे दी गई है। तीन जज की बेंच जब बनेगी बनेगी, जब सुनवाई होगी होगी, अगर वो सीबीआई केस में जमानत पा जाते हैं या अंतरिम जमानत पा जाते हैं तो उनके पास एक नया रास्ता खुला है जेल से बाहर आने का। हालांकि उनको उम्मीद ये होगी कि आज उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दे दिया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर पीएमएल लेके जो कठोर प्रावधान है और एजेंसी की जो असीमित जो ताकत थी, उस पर एक इस कड़ी में एक और बार अंकुश लगाया गया है कि आप इस तरीके से खाली किसी ने कह दिया पूछताछ में कि इन्होंने ये किया था, है ना, या पूछताछ में आरोपी ने कोई बात छुपा ली या नहीं बताई, वो सुप्रीम कोर्ट का पहले भी एक जजमेंट है कि सिर्फ आरोपी के समन की तामील ना करने और पूछताछ में सहयोग ना देने का आधार गिरफ्तारी नहीं हो सकता है, ये उन्होंने पहले एक बेंच ने कहा है। आज एक नया ये फैसला आ गया है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर, इंटेरोगेशन के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दलील अरविंद केजरीवाल लगातार दे रहे थे कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केवल बयानों के आधार पर। एक और बात थी, वो तो अब इन्होंने बोल दिया, वो ये भी कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, मामला 2022 से चला आ रहा है, जब सीबीआई ने जब शुरू में उनको बुलाया था, अगस्त 2022 से शुरू हुआ था, हाँ 22 से चला रहा है, वो लगातार यहाँ पर मौजूद थे, जब एजेंसी ने सीबीआई ने पूछताछ में बुलाया था तो अपीयर भी हुए थे सीबीआई के सामने, तो वो ये कह रहे थे कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, ना मनी ट्रेल है, मनीष सिसोदिया इसी केस में अंदर है, इतने सारे लोग इतने केस में अंदर है, वो ये भी कह रहे थे कि उनके गिरफ्तारी की जरूरत क्या है, ठीक है, तो वो जो गिरफ्तारी की जरूरत और गिरफ्तारी का आधार, पीएमएलए के सेक्टर 19 में एक बहुत बड़ी बात है कि रीजन बिलीव करना चाहिए कि यही जो है आरोपी हैं, रीजन टू बिलीव जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ, और रीजन टू बिलीव टू अरेस्ट के भाई इसमें बनता है कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो ये एक असीमित अधिकार थे, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने
ये तय करने की बात की है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर का बिलीविंग, उन्होंने साफ कहा कि पावर ऑफ ऑफिसर एंड पावर ऑफ कोर्ट इज डिफरेंट, यानी जो अफसर है ईडी का उसकी शक्ति अलग किस्म की है और कोर्ट की शक्ति अलग किस्म की है। अफसर गिरफ्त हो सकता है कि एक अफसर को लगे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो बिलीव करते हैं, हो सकता है कोर्ट को ना लगे, कि गिरफ्तारी की जरूरत है कि नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी बेंच में तीन जजेस की भेज दिया गया है, सीजीआई अब डिसाइड करेंगे ये बेंच कब बनेगी, कौन सुनेगा। लेकिन पीएमएलए का जो पुराना फैसला है उसके लिए तीन जजेस की बेंच पहले से है, उस पर कुछ चीजों पर रिव्यू उस पर चल रहा है, तो वो रिव्यू बेंच है वो भी सुन रही है, हो सकता है उसी में ये मामले ट्रांसफर हो, तो उसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी जो आज का लबोलुआब आप हम इसे समझेंगे आम लोगों के लिए, वो सीधा सीधा है, अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर जमानत दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन से ज्यादा वो अंदर हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कुछ चुने हुए प्रतिनिधि। दूसरी चीज उन्होंने कही कि वो पद छोड़े या ना छोड़े, ये उन पर है, हम नहीं कह सकते, यानी साफ कर दिया कि अदालत किसी चुने हुए जो पदाधिकारी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरी उनको नहीं बता सकती, एक ये भी बड़ी बात है। तीसरी बात, उन्होंने अंतरिम जमानत तो दी है लेकिन गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तारी हो या ना हो, गिरफ्तारी की जरूरत, उस पूरे मुद्दे को लार्जर बेंच में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो एलिगेशन बार बार लगते हैं एजेंसीज के ऊपर कि वो इशारे पर काम करते हैं सत्ता पक्ष के, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक अदालत होने के नाते, कस्टोडियन ऑफ जो फंडामेंटल राइट होने के नाते, वो कहाँ तक इसमें दखल दे सकता है, वो ये देख रहे हैं कि एक ऐसी गाइडलाइन तैयार की जाए कि इन इन चीज़ों के आधार पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी की ज़रूरत, यहाँ पर रीजन टू बिलीव यानी मानने के कि मुझे भरोसा है कि इसे गिरफ्तार करना चाहिए, ये अफसर सोच रहा है, और कोर्ट अगर ऐसा सोच रहा है तो बात अलग है, लेकिन कोर्ट अगर ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, केस तो बिना गिरफ्तारी के भी चलते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल को हमने बहुत सारे केसेज में देखा है कि बिना गिरफ्तारी के केस ट्रायल चलते हैं, तो ये जो सब चीजें हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी बात है कि बहुत कठोर प्रावधान है, एक बार गिरफ्तारी हो जाए तो बेल जल्दी से पीएमएलए में मिलती नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक ऐसे रोबस्ट सिस्टम तैयार हो, प्रक्रिया कि पीएमएलए जैसे एक कठोर प्रावधान वाले केस में गिरफ्तारी तभी हो जब गिरफ्तारी की जरूरत हो। तो आखिर में एक बात बताना जरूरी है कि ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत है लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी बाहर नहीं आ सकते, सीबीआई ने इनको 26 जून को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका लगी हुई है, 17 जुलाई को उस पर सुनवाई होगी और जैसे प्रोसीडिंग चलेगी तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को कब जमानत मिलती है और उस आधार पर पता चलेगा कि कब वो बाहर आ पाएंगे। लेकिन अगर अंतरिम जमानत भी मिल गई है तो भी ये राहत है क्योंकि अभी आगे डिसाइड होगा कि जरूरत थी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की या नहीं थी। अब सीबीआई वाले केस में अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को ध्यान देना होगा।